बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ओके जी, 27 रमज़ान हो गया आज, माशाल्लाह से 27वां रोज़ा है। बड़े ही मज़े से और अल्लाह ताला ने बड़े ही सुकून से ये रोज़े गुजर गए। अच्छा जी, टेलर भी जो ईद की प्रिपरेशन जारी है, और टेलर ने मुझे थोड़े लोन के सूट दिए जो उससे मैंने स्टिच करवाए थे, तो अभी उससे आए थे तो वो चेक करी थी। और साथ ही साथ मैं आज आपके साथ इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी शेयर करूँगी। और आज बहुत ही ठंडा और बहुत ही मज़े का मौसम है। सुबह सुबह बड़ी ठंडी ठंडी विंड चल रही थी, और फिर उससे थोड़ा लगा कि क्या पता आज शब-ए-कदर थी, क्योंकि पेशन गोई तो यही है कि शब-ए-कदर जो है वो रात ठंडी ठंडी सी होगी, और ऐसे फील हो रहा था कि ठंडी ठंडी है। ओके जी, माँ जी ने एक बहुत ही मज़ा कीमती गिफ्ट दिया हमें ना, हाँ, लहसुन दिया था, तो वो मैंने बॉक्स में डाल के रखा। अब बहुत ही फ़ायदा हो जाता है ना जब ये जो लहसुन है वो पील ऑफ हुआ हुआ ना, तो जी क्या करना जी, जब खाना बनाना है ना तो 15-20 मिनट लगते हैं और खाना इज रेडी। ओके जी, आज मेन कोर्स में मैं आलू और गोश्त बनाऊंगी। सहरी में ज़्यादा खाना खाया जाता है, आपको पता है सब लोग जो है वो अफ्तारी में बहुत ही कम खाते हैं, और खाया ही नहीं जाता ना, एक चीज़ खा लो तो दूसरी खाने को दिल ही नहीं करता, तो थोड़ी सी फ्राइड आइटम भी होते हैं तो फिर तो वैसे ही खाना खाने को दिल नहीं करता जी। तो जी मेन कोर्स में मैंने गोश्त बनाया था जी। आज मेरा काका जो है वो ठीक नहीं था, तो उसको मैंने स्कूल से ऑफ लिया हुआ था, उसको स्कूल से ऑफ करवा दिया, छुट्टी करवाई, उसको फीवर था, तो मैंने सोचा जी उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाए। तो अब चूँकि गर्मी आ गई है तो मैं दोनों को एक एग से ही दो बाइट्स बना के ना दे देती हूँ, बड़ा ही मज़े का, और वो इजीली कुछ मिनट भी पकड़ के खा लेते हैं। ओके जी, जब अब हम शेयर करते हैं जी, मैं आपके साथ सम स्टाइलिंग सूट की जो आप कर सकते हो लॉन के सूट में ना, इजीली और अट्रैक्शन और कन्वीनियंट और बहुत ही मज़ेदार से सूट लगते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए ट्राउज़र में ना ये जो लेस देखिए इस तरह, और एक प्लेट इधर और एक प्लेट उधर, ठीक है, दोनों साइड पे वन प्लेट लॉन्ग साइड पे, और ये लेस इज़ वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव लगती है। और लेस जो है वो मैंने नॉर्मल जो पल्लू थे ना उस पर लगाई थी। अच्छा जी, ये देखिए, और आगे वाला गला जो है वो मैं गोल स्टिच करवाती हूँ, तो गोल है, और ये जो बैक वाला ना उसमें भी पर्ल्स लगे हुए हैं, पल्टाइज स्किन कलर का है, और बाजुओं में भी जो ये मिड की लाइन है ना उधर भी पल्टा लगाया हुआ है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया क्योंकि समर है। तो इसमें ना मैंने ये दुपट्टे वाला सूट लिया था जे डॉट का ना, कलर इज सो ब्यूटीफुल, मुझे कलर बहुत लगा, और ये जे डॉट के जो कपड़े होते हैं ना मतलब बहुत ही फायदार और बहुत अच्छे, कलर नहीं ख़राब होते, और ऐसा लगता है वैसे के वैसे न्यू के न्यू हैं। और जी ओके जी, था एन अदर सूट देखे जी। अच्छा जी, इसमें मैंने लेस खुद लगवाई थी, बच्चों के साथ मैं शॉपिंग करने गई ना। अच्छा, इसमें 3D प्लेस और 3D लेस स्मॉल वाली, और फिर 3D, और इसका भी सिंपल ही उसने गला बना दिया, इसको मैंने कुछ और कहा था, लेकिन यह कि टेलर कुछ अपनी भी चलाती है ना, उनको अपना मर्जी करने का बहुत शौक होता है। अच्छा जी, ये देखिए ये लेस, इसे ना थोड़ी सी लुक जो है वो हो गई, और सेंटर में 3D लेस जी जनाब, बाजू में भी सेम। ओके जी, ये देखें जी, ये देखें, एक लेस और एक 3D लेस। मतलब मैंने वैसे उसको टेलर को बोला था दोनों ही 3D लेस लगानी है, लेकिन ये है कि आपको पता है टेलर कुछ अपना काम चला ही देती है, कुछ उन्होंने काट करना होता है, और फिर वो कहती हैं कि नहीं बाजी तुसी इंज क्या ही, तुसी तानू याद नहीं, मैं तो लेके गई हाँ इस तरह के वो फिर बहाने भी लगाती है। अच्छा जी, दैन अदर सूटिंग मेरून कलर का, ये बहुत ही मज़ेदार का बड़ा अजीज़ का सूट था, और बड़ा ही मतलब अट्रैक्शन थी इसमें ना, कलर सो अट्रैक्टिव, एंड दुपट्टा इसका जो था ना वो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा। अच्छा, सिंपल जो शर्ट थी वो स्टिच करवाई, और ट्राउजर्स में थोड़े से वो जो नीचे एक लेस लगाई और 3D लेस लगा के ना इसको कवर कर लिया, दुपट्टा बहुत ही मज़े का, बहुत अट्रैक्टिव था। माई बेबीज़ क्योंकि वो घर में है तो वो शरारती कर रहा था, कह रही थी मम्मा आप क्या कर रहे हैं जी, मैंने भी थोड़ी देर ना इंजॉय करना है, तो मैं सोची, मैंने कहा चलो आप कर लो, मैं जो वो काम है थोड़ा सा बाद में कर लेती हूँ, तो शी इंजॉय अलाट। देखें जी, अब इसने काफ़ी देर तक ना मुझे बहुत चीज़ किया, लेकिन यह कि शी इज़ हैप्पी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। बुखार था, थोड़ा सा बुखार उतरे तो शरारती करना शुरू कर देती है, बच्चों का यही होता है। अच्छा जी, द अदर सूट येलो, इसमें मैंने इसको बोला था बहुत जोड़े वाली 3D लेस लगाना, लेकिन कहे थे पाजी यही मिली ही बाजारू, तो मैं कहा चलो कुछ नहीं होता। अच्छा, लेस लगाई मैंने दुपट्टे में ना सारे ही फोर साइड पे ना, इसकी थोड़ी पतली पतली सी लेस लगाई। अच्छा जी, ये देखिए ये गले में मैंने पाइपिंग करवाई है थोड़ी सी, और इधर 3D लेस लगवाई थी
दिस इज़ वेरी अट्रैक्टिव कलर, बहुत ही मज़े का अट्रैक्शन थी। अच्छा जी, इसकी 3 लेयर्स हो रही थी, उसने चोरी लगाई थी और वो अच्छी लग रही थी जी। जना आप ये देखें जी, 3 लेयर्स भी लग गई और 3-3, 4-4 लेयर्स भी हो गए। ओके आज ना मैं आपके साथ एक यूनिक सी रेसिपी शेयर करती हूँ, क्विक बनेगी, बहुत क्विक, बहुत ईजी और बहुत जल्दी से। अच्छा इसके लिए हमें कुछ भी नहीं, नगिस बनाएंगे आज हम ना थोड़ी सी इफ्तारी में, क्योंकि बच्चा डिमांड कर रहे थे। वैसे भी हुरैना को फीवर था तो उसकी फेवरेट सी, मुझे मज़ा आता है ना, फिर सुकून भी मिलता है उसका फेवरेट सा। तो मैंने सोचा कि थोड़े से भगोरे और साथ ही साथ थोड़े से नगिस, तो नगिस की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इज़ वेरी ईजी एंड वेरी क्विक। अच्छा जी, 3 ब्रेड लिए थे, उसका क्रम्बल कर लिया था, थोड़ा सा मैंने सेपरेट रख लिया था, और फिर जो चिकन था उसको भी मतलब ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। अच्छा जी, पता नहीं क्यों रमज़ान में ना भी अभी गले में ना ऐसे लगता है कोई चीज़ ना अटक गई है, सांस नहीं आता ना, शायद खुश्की हो गई है, या फिर वैसे ही गला ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हुआ। ओके जनाब, इसको अच्छे से मैश कर लिया जी, जल्दी जल्दी से इसको ना नगिस की शेप दे लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने स्माल स्माल बनाए थे तो काफ़ी ज़्यादा बनाए, क्योंकि बच्चों से इतने खाए नहीं जाते। अच्छा इसको ना एग में आपने डिप करना है, मतलब इसको ना एग की एक कोटिंग लगाई है मैंने, और फिर इसको जी दिस इज़ रेडी। अब हम इसको जब भी रिक्वायर हो, जितने भी रिक्वायर हो, फ्राई कर लें, फ्रिज में रखें, खाएं, मज़ा करें, मौज करें। ओके जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। लव यू आर, रमज़ान मुबारक।